वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज सीए विजय सांडा फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। और जैसा कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था दैट हम आपके लिए स्टैट्यूटरी अपडेट्स लेकर के आएंगे, तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने स्टैट्यूटरी अपडेट्स को लेकर के। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर 20 एज वेल एज दिसंबर 20। यस, अच्छा जी, पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं आप, आपका परिवार, आपके जितने लोग होंगे सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस कोविड 19 सिचुएशन में, राइट। और मैं कामना करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। दो बातें हमें बहुत समझनी जरूरी है, पहले हेल्थ और उसके बाद वेल्थ, ये सबसे अच्छी बात होगी जो मैं हमेशा से कहता हूं और कहूंगा भी। एज फार एज अमेंडमेंट्स आर कंसर्न, क्या सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स है? आंसर इज नो, बहुत छोटे से अमेंडमेंट्स है जिसमें से मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स हम लोगों ने पहले ही कवर करके रखे हुए हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट के ऊपर अमेंडमेंट्स डाले थे और यही अमेंडमेंट्स हमें कंप्लीट भी करने हैं, राइट। कुछ बातें चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सर ये अमेंडमेंट जो है फॉर नवंबर एज वेल एज दिसंबर 20, सर ये कौन कौन दे सकता है? मैं आपको बता दूं, ये अमेंडमेंट्स हम बात कर रहे हैं सीए इंटर एज वेल एज आईपीसीसी, राइट। सो जो भी बच्चा सीए इंटर एज वेल एज आईपीसीसी के अंदर में होगा वो ये अमेंडमेंट्स को देख सकता है। साथ ही साथ में जो जो बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर में है वो भी इस अमेंडमेंट्स को देख सकता है। साथ ही साथ में जो सीएमए इंटर के अंदर में है वो भी इस अमेंडमेंट्स को देख सकता है। तो सबसे पहली बात, आप तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स जहां पे भी होंगे आप इस अमेंडमेंट्स को देख सकते हैं। दूसरी बात सर, ये अमेंडमेंट्स किस किस ने देखने हैं, मैं इस बारे में भी क्लैरिफाई कर देता हूं। ये अमेंडमेंट्स उन लोगों ने देखने हैं जिन लोगों ने May 20/नवंबर 20 वाले मेरे पेनड्राइव लिए होंगे, गूगल ड्राइव लिए होंगे, वो इस अमेंडमेंट को देखेगा। साथ साथ में उन लोगों ने भी इसे मैंडेटरीली देखना है जिसने इन लोगों ने फास्ट ट्रैक लिया होगा फॉर दी अबव अटेम्प्ट। तो आपने अगर रेगुलर बैच लिया है तो भी आपको ये अमेंडमेंट देखना है, राइट। आपने फास्ट ट्रैक्स लिए थे तो भी आपको ये अमेंडमेंट्स देखने हैं, चाहे आपने किसी भी कोर्स के लिए लिया हो, ठीक है सर। सर मैंने आपका मैराथन देखा था, क्या मैराथन देखने के बाद भी ये अमेंडमेंट देखने? आंसर इज यस मालिक, आपने जो मैराथन देखा था उसके बाद भी आपको ये अमेंडमेंट्स देखने हैं, बिकॉज दीज आर एडिशनल अमेंडमेंट्स जो लाए गए हैं, राइट। इसके पहले जो अमेंडमेंट्स आए थे वो तो आपने कवर कर लिया है मैराथन के अंदर में, लेकिन ये एडिशनल है जो आपको देखने हैं सर। अच्छा जी सर, सर ये जब अमेंडमेंट आप देखते रहेंगे मैं आपको 100% कहूंगा कि जो हमने May 20 वाले डिटेल्ड अमेंडमेंट्स डाले हैं वो आपको मैंडेटरीली देखना है ये अमेंडमेंट्स देखने से पहले। और अगर आपने देख लिया है तो ये इन एडिशन देयर टू रहेगा, ये उसके एडिशन में रहेगा। तो ये हमेशा याद रखिए, ये जब भी अमेंडमेंट कोई भी बच्चा देख रहा है, मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट डाल रखे हैं May 20 and November 20 वाले, राइट, वो आपको पहले देखने हैं और उसके बाद ही आपको ये देखने हैं। सो प्लीज वॉच द अर्लियर अमेंडमेंट लेक्चर। मैं स्ट्रेट अवे कह रहा हूं सर, प्लीज वॉच द अर्लियर अमेंडमेंट लेक्चर। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड में अमेंडमेंट कवर किए हुए हैं एक एक पॉइंट को समझाते हुए, और ये भी वीडियो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमारा मोटो बड़ा क्लियर है सर, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। ये मैं मोटो के साथ चलता हूं और इसी मोटो के साथ मैं चलूंगा भी। और मैं आपको बता दूं, हम लोग इतने ही डिटेल के अंदर में एक एक सेक्शन, एक एक सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सर। अच्छा जी सर, सो वापस से बता दूं, सीए सीएस सीएमए तीनों भी बच्चे देख सकते हैं, May 20 and November 20 वाले देख सकते हैं जिनने रेगुलर लिया था, फास्ट ट्रैक लिया था या मैराथन देख रहे होंगे, उनने ये वीडियो देखने का है, राइट। ये वीडियो देखने से पहले आपने जो अमेंडमेंट का अर्लियर वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे, वी स्मार्ट के चैनल पे, वो आपको मैंडेटरली देखना है। मैं पॉसिबल हुआ तो उसकी लिंक यहां पे दे दूंगा। इसके नोट्स जो पहले अमेंडमेंट वाले वीडियो है उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। इस वीडियो के लिए जो नोट्स लगने वाले हैं ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है तो मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाया, सेपरेट अमेंडमेंट लेक्चर नहीं बनाया हुआ है, यू नो इस एक एक नोट्स अपडेट नहीं किए हुए हैं। आपको वही नोट्स जो वेबसाइट पे अपडेटेड है ये वाले, यही नोट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। हालांकि पुराना जो था अमेंडमेंट उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किए हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां पे जाकर के नोट्स ले सकते हैं। साथ साथ में अदर रेलेवेंट चीजें आपके काम की है वो भी आप वहां से ले सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर। अच्छा जी सर, तो सर जिन जिन लोगों ने ओल्ड वीडियोस देखे हुए होंगे अमेंडमेंट के, फास्ट ट्रैक लिया होगा, रेगुलर लिया होगा, मैराथन लिया होगा, वो सब देख सकते हैं। एक काम की सूचना मैं आप लोगों को दे दूं,
जितने भी बच्चे मई 21 आपके दोस्त भाई यार रिश्तेदार जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर द पर्पज ऑफ मई एज वेल एज नवंबर 21, इनके लिए हम लोग अपने वीडियो लेकर के आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फर्स्ट वीक, राइट। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मई 21 नवंबर 21 के वीडियोस हम लोग आउट कर देंगे। सो वी स्मार्ट अकेडमी बिल्कुल रेडी है सीए इंटर के लिए नवंबर 21 एज वेल एज मई 21 के लिए। जो भी बच्चा मई 21 एंड नवंबर 21 की तैयारी कर रहा है, मैं आपको बता दूं बहुत मैसिव अमेंडमेंट्स है, क्योंकि टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 भी आया है अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 2020, तो वो अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि मई 21 नवंबर 21 के वीडियो अभी मत ले, रुक जाए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर में बुकिंग स्टार्ट होगी तो प्लीज आप लोग तब ले लेंगे। यस, सो लेट अस कंटिन्यू द डिटेल्ड अमेंडमेंट। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, कहां मिल जाएंगे सर? इंस्टीट्यूट ICAI की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग ये ले सकते हैं और स्टैट्यूटरी अपडेट्स हो सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 2019 डिटेल्ड अमेंडमेंट है। मैं आपको एक और बात बता दूं पढ़ने से पहले, दो मंत्र हमें याद रखने होंगे, अच्छा पढ़ना और कम टाइम में पढ़ना एक साथ पॉसिबल नहीं है। दूसरा, पढ़ेंगे तो हद कर देंगे वरना प्रोग्राम रद्द कर देंगे। बहुत मेहनत लगी है, जो बच्चे इस अटेम्प्ट को दे रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत सारे सिचुएशंस आई, चाहे वो उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल फैमिली इश्यूज हो, मनी इश्यूज हो, एज वेल एज कोविड-19, मतलब गॉड भी आपका टेस्ट लेना चाहता है और इस टेस्ट में आपको कामयाब होना ही होगा और इसीलिए आपको ज्यादा बेहतर पढ़ना होगा, ये बात समझ लीजिएगा। साथ साथ में आपने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद। मैं और पूरी वी स्मार्ट फैमिली आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इस प्यार के लिए। चलिए बेटा सबसे पहले कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं तो आपको मजा आएगा इस चीज को डील करने में। 2019 एक ऐसा साल, 2019 एक ऐसा साल जिस साल में बहुत कुछ हुआ। पहला, 2019 के अंदर में इलेक्शंस हुए। जिस साल इलेक्शंस होते हैं उस साल दो बजट होते हैं, एक इंटरिम बजट, दूसरा फाइनल बजट। कितने बजट होते हैं? दो। एक इंटरिम बजट जो जाने वाली सरकार रखती है और एक फाइनल बजट जो आने वाली सरकार बनाती है। दोनों के तहत चेंजेस एप्लीकेबल होते हैं आप लोगों को और इसको वर्कआउट करना पड़ता है। साथ ही साथ में 2019 एक ऐसा साल था जिस साल में मोदी 1.0 टर्म खत्म हुआ और मोदी 2.0 टर्म चालू हुआ। इस 2.0 टर्म के अंदर में मोदी जी ने मैसिव विनिंग करी। साथ ही साथ में एक और प्रॉब्लम जो अराइज हो रही थी वो ये थी कि कुछ डिसीजंस ऐसे थे जिससे लोगों का मानना यह था कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, जैसे नोटबंदी जो 2016 के अंदर में हुई, राइट, फिर जीएसटी जो 2017 के अंदर में हुआ, और ऐसे ही कुछ मैसिव यू नो डिसीजंस लोगों को ये इंपैक्ट कर गया कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई और अप्रैल 2019 से ही इकोनॉमी स्लोडाउन आनी शुरू हो गई। हालांकि इकोनॉमी स्लोडाउन का सबसे पहला इंपैक्ट जो दिखा वो दिखा ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर, जिससे 30% से ज्यादा ऑटोमोबाइल के अंदर में गिरावट हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में, और करीब 59% ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स में गिरावट हुई। अब ये गिरावट क्यों हुई? लोगों को लग रहा था इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, नहीं, इसके पीछे एक और रीजन था। एक और रीजन ये था कि सर जब बजट आया था तो बजट के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स जो थे, राइट, इनको ज्यादा प्रमोशन मिला एज कंपेयर टू द नॉर्मल पेट्रोल डीजल व्हीकल, जिसके कारण जो नॉर्मल व्हीकल्स थे इनके मांग में और इनकी डिमांड के अंदर में बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ। ये एक प्रमानेंट रीजन था, लेकिन लोगों ने इसे अदर वे राउंड लिया। ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जो देश में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और धीरे धीरे इसके चलते बहुत सारे इकोनॉमिक स्लोडाउन आने लग गए। हुआ ये, परिणाम ये हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी को डिसीजन लेना पड़ा, टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाना पड़ा सितंबर 2019 में। जी हाँ, 20 सितंबर 2019 को निर्मला सीतारमन जी को क्या लाना पड़ा? टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ, जो जो बच्चे मई 20 देने वाले थे इनके लिए क्या क्या एप्लीकेबल हो गया? इनके लिए एप्लीकेबल हो गया फाइनेंस एक्ट 2019-1 एज वेल एज फाइनेंस एक्ट 2019-2। तो सर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के कारण हुआ ये कि आपको मल्टीपल अपडेट्स पढ़ने पड़ गए और बहुत सारे अपडेट आ गए। फिर आया कोविड-19 जिसके चक्कर में आपके मई 20 के एग्जाम ना हो पाए और आपके अमेंडमेंट्स में और इजाफा हो गया नवंबर के लिए। हालांकि ये बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे से है, पर ये हिस्ट्री आपको समझनी जरूरी थी। अच्छा जी सर, आइए समझते हैं क्या क्या अमेंडमेंट हुए आपको नवंबर 20 के लिए या दिसंबर 20 के लिए क्या क्या पढ़ना है। सर सबसे पहली बात आपको पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 1, फाइनेंस एक्ट 2,
ये आपको पढ़ना है। साथ साथ में जितने सर्कुलर नोटिफिकेशंस जो है जो आपके अटेम्प्ट से पहले तक के एप्लीकेबल थे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बराबर है। सो इनकम टैक्स लॉ अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 एंड फाइनेंस एक्ट 2019 नंबर 2 इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट अप टू 30 अप्रैल 2020, तो 30 अप्रैल 2020 तक के सारे अमेंडमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आप लोगों को एप्लीकेबल है फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर 20। द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर विल बी देयर। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को ऐसा डाउट है कि उन्हें फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, आपको फाइनेंस एक्ट 2020, जी हां ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंस एक्ट 2020 आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, फाइनेंस एक्ट 2020 आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। साथ साथ में 2019 में ही नहीं 2020 में भी टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 आया। क्या टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 आप लोग को एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। तो 2020 की कोई चीज आपको नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो बजट हो चाहे वो टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस हो। आपकी बुक क्लियर कट लिख देती है फाइनेंस एक्ट 2019 1 2 आपको एप्लीकेबल है, प्लस 30 अप्रैल तक के सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर आप लोग को एप्लीकेबल है, रेलेवेंट जितने आपके सिलेबस के होंगे। द अगस्त 2019 एडिशन स्टडी मटेरियल एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 एंड हेंस द सेम इज रेलेवेंट फॉर नवंबर 2020। उन्होंने बोल दिया सारी चीजें सेम रखी गई है। चलिए सर, पहली चीज चालू करते हैं, पहला चैप्टर चालू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे ये मैंने बहुत डिटेल में अलोंग विद एग्जांपल्स आपके अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 के अंदर में कवर किए हैं। ये वही चीज उन्होंने एज इट इज उठा करके वापस यहां पे रख दी अलोंग विद द एग्जांपल्स, कोई बड़ा चेंज नहीं किया इसके अंदर में, एज इट इज उठा करके वापस यहां रख दिया बच्चे, ताकि इसको वापस से दोबारा से एक बार पढ़ ले क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम आएंगे। इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट होने का वाला है, मैं वो आपको बता दूं, इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट होने वाला है, आपको टोटल इनकम के प्रॉब्लम मिलने वाले हैं, टोटल इनकम के प्रॉब्लम आपको मिलने वाले हैं आपके पेपर में, करीब करीब 20 to 30 मार्क्स के बीच में आपके टोटल इनकम के प्रॉब्लम होते हैं। और ये टोटल इनकम के जो प्रॉब्लम होते हैं इसके अंदर में कंफर्म टैक्स कैलकुलेशन एंड टैक्स पेबल आता है, उस टाइम पे आपको ये आएगा, बराबर है। अमेंडमेंट आपको याद होगा तो सरचार्ज से रिलेटेड था, सरचार्ज को बढ़ाया गया था 10% 15% जो सरचार्ज थे इसमें एनहांस सरचार्ज ऐड किया गया था 25% एंड 37%, यस और नो, इफ द इनकम एक्सीड 2 करोड़ एंड 5 करोड़, क्या तुम्हें याद है? अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एनहांस सरचार्ज था राइट 25% एंड 35%, दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड 112A ओनली, यस और नो। तो एनहांस सरचार्ज जो एप्लीकेबल नहीं था ये हम लोगों ने भी पढ़ा था, डिटेल्ड में पढ़ा था, अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 आपने अब तक देख लिया होगा, जैसा कि मैंने कहा उसके अंदर में सारी चीजें कवर्ड है अलोंग विद एग्जांपल। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है ये आपको सिर्फ बताया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप, दी एनहांस सरचार्ज राइट, एनहांस सरचार्ज के बारे में यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है सीबीडीटी प्रेस रिलीज 2019 अगस्त 2019, अकॉर्डिंग टू दिस प्रेस रिलीज द एनहांस सरचार्ज ऑफ 25% एंड 37% एप्लीकेबल वेयर द टोटल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी एक्सीड्स 2 करोड़ एंड 5 करोड़ हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम इनकम टैक्स पेबल एट अ स्पेशल रेट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड 112A राइट। तो उन्होंने कहा एनहांस सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल नहीं है और 111A एंड 112A ओनली, एंड कॉन्सिक्वेंटली आपको क्या किया गया, आपके स्पेशल टैक्स रेट या किस तरीके से प्रॉब्लम होगा उसकी पूरी डिटेल आपको यहां पे लिख करके दी। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, सबसे पहले अप टू 50 लाख रुपीज देर वोंट बी एनी सरचार्ज, क्या आपको याद है? यस, जहां इनकम आपकी 50 लाख से एक्सीड करी आपकी नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेशल इनकम के ऊपर सरचार्ज रेट जो होगा वो कितना होगा 10% होगा, यस और नो। तो जहां आपकी इनकम कितने से ऊपर गई 50 लाख से ऊपर गई सरचार्ज एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ 111A एंड 112A, बराबर है। तो लेट्स से आपकी ओवरऑल इनकम जिसमें 111A और 112A का कैपिटल गेन भी है ये 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो ऐसे केसेस में जरा समझिएगा आपकी टोटल इनकम कितनी हुई। यहां पे अगर आपकी टोटल इनकम को हम लोग देखें, सो 40 लाख इज योर अदर इनकम, 30 लाख इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टोटल 70 लाख,
एंड 25 लाख्स इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी आपकी ओवरऑल इनकम आई 95, यानी 50 लाख से ऊपर बट 1 करोड़ से नीचे, बराबर है। सरचार्ज क्या होगा? सरचार्ज लगेगा, हाँ जी सरचार्ज लगेगा सर। कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा सर। और अगर 10% लगेगा तो क्या ये हर इनकम पे लगेगा? यस। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज तो एप्लीकेबल है, पुराना अमेंडमेंट लेक्चर याद आया प्रभु, बस खत्म हो गया काम। सरचार्ज वुड बी लेविड एट द रेट ऑफ 10% ऑन द ओवरऑल इनकम ऑफ 95 लाख्स। ठीक उसी तरह सेकंड, इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज बट डू नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज विथ 111A एंड 112A। ऐसे केसेस में सरचार्ज है, हाँ जी सर। कितना है? 15%। सभी पे लगेगा? यस सर, बिल्कुल लगेगा। सो यहां की ओवरऑल इनकम देख लेते हैं, 60 प्लस 65 प्लस 50 टोटल आता है 1.75 करोड़। इस टोटल के ऊपर 15% एप्लीकेबल सरचार्ज रेट लगेगा। साथ साथ में एग्जांपल दिए हैं तो आपको रिलेटिवली इजी हो जा रहा है। तीसरा केस था जहां इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज बट डू नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। ऐसे केसेस में राइट क्या होगा बताइए? अदर इनकम जो रहेगी, जो 2 करोड़ के ऊपर होगी, 2 करोड़ के ऊपर होगी, अगर अदर इनकम आपकी 2 करोड़ के ऊपर होगी तो अदर इनकम पे 25%, 111A 112A पे 15% का सरचार्ज लगेगा। हाँ अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ के नीचे है और स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो इन केस में, ओवरऑल केस में 15% विल बी द एप्लीकेबल रेट, प्रोवाइडेड आपकी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही हो, राइट। सो यही आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ रुपीज के ऊपर हुई, अदर इनकम पे 37%, 111A 112A कैपिटल गेन के ऊपर 15% लगाया गया है, यस और नो? चलिए अब जैसे यहां पे आप देखेंगे अपनी अदर इनकम ही कितनी है, 6 करोड़, दैट इज एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज। अब ऐसे केसेस में 6 करोड़ रुपीज के ऊपर क्या लगेगा? 37% लगेगा, और बची हुई इस इनकम के ऊपर कितना लगेगा? 15% लगेगा, और वही यहां पे बताया हुआ भी है, राइट। अच्छा जी सर, ये काम की चीज थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां आपकी अदर इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं जा रही, लेकिन आप ये तीनों इनकम मिला दें तो 2.25 करोड़ रुपीज जा रही है। जहां आपकी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम, अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम दोनों मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर गई, तो इस केस में अदर इनकम के ऊपर सरचार्ज 25% ना लग के इस पे भी 15% लगाया जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपकी अदर इनकम मिला के आपकी ओवरऑल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो ओवरऑल केस में सरचार्ज कितना होगा? 15% होगा। हमने इसको बहुत डिटेल के अंदर में कवर किया हुआ है, कहां पे सर? अमेंडमेंट लेक्चर 1 में। ये एज इट इज उठा के ला लिया, इनमें कहीं कोई चेंज नहीं है साहब। तो हमने ये पहली चीज देख ली, ये था पहला अमेंडमेंट, डन सर। कोई सब्सटेंशियल अमेंडमेंट नहीं, कट कॉपी पेस्ट था, बाकी कुछ नहीं था। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। दूसरा यहां पर दिया हुआ है पीजीबीपी, जिसका मतलब यह है कि पीजीबीपी के अंदर में अमेंडमेंट है। कहां अमेंडमेंट है मैं ये भी बता दूं, ये भी हमने अमेंडमेंट लेक्चर 1 के अंदर में कवर किया हुआ है। कहां अमेंडमेंट है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको याद दिलाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि सर जैसे ही मोदी 2.0 आया 2019 के अंदर में, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ। इकोनॉमिक स्लो डाउन सबसे पहला इंपैक्ट किया गया ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर। जैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट किया गया, टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया सितंबर के अंदर में, यस और नो? और सबसे पहले बार ऑर्डिनेंस लाने से भी पहले की अगर मैं आपको बात करूं, तो एक अमेंडमेंट लाया गया बूस्टअप करने के लिए गाड़ियों की सेल्स को। गाड़ियों की सेल्स के अगर बात करें तो मेजर प्लेयर इंडिया में है जो है मारुति, जिसके शेयर ट्रेड करते थे अराउंड 8,000 रुपीज के ऊपर, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ऐसे केसेस के अंदर में इनके शेयर प्राइस भयंकर टूटे थे। कुछ और प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो हुंडई। अब यहां पर डुअल इंपैक्ट हुआ, पहला कुछ फॉरेन कंपनीज इंडिया में आना लाइक किया, एट द सेम एमजी हेक्टर, एट द सेम टाइम यहां से एक और इंपैक्ट आना ई व्हीकल्स का फाइनेंस एक्ट से, तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ा। काफी लेऑफ्स हुए, अगर आप देखेंगे तो काफी कंपनी ने लेऑफ्स किए अपने एम्प्लॉइज को। अब ऐसे केसेस के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे पहले एक अपडेट लेके आए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई व्हीकल परचेस करता है तो इसके ऊपर के डेप्रिसिएशन को हम बढ़ा देते हैं, जिससे इंपैक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन रेट चेंज किए गए,
जहां नॉर्मली मोटर कार के ऊपर, मोटर व्हीकल्स के ऊपर 15% होता है एंड मोटर व्हीकल्स विच आर रनिंग देम ऑन हायर के ऊपर 30% होता है, इसे 15% से इंक्रीज किया गया। ध्यान से सुनिएगा, जो इंक्रीज किया गया वो है डेप्रिसिएशन, ना कि एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता। तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, गेटिंग इट? अच्छा, डेप्रिसिएशन बढ़ाया गया। डेप्रिसिएशन उन्हीं केसेस में बढ़ाया गया जिन केसेस के अंदर में गाड़ियां एक पर्टिकुलर डेट में खरीदी गई होगी, तभी आपको ये बढ़ाया गया है। यानी आपको प्रॉब्लम में घुमाया जा सकता है डेट्स दे करके। आपको बहुत स्पेसिफिकली सोच करके रखना होगा कि कौन सी डेट्स दी हुई है, और ये डेट्स आपको याद रखनी होगी, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। जी हाँ, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्रॉब्लम डालेगा कि व्हीकल आपको दो परचेज किए हैं ऐसा बताया जाएगा साल के अंदर में, एक इन डेट से पहले और दूसरा इस डेट के बाद, और अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ऐसा कोई मिक्स प्रॉब्लम आपको दिया जा सकता है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट टेस्ट किया जा सके। बहरहाल, अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट यह था कि अगर आपने गाड़ियां एक डेट के बीच में परचेज की है तो जो आपका डेप्रिसिएशन रेट 15% एंड रनिंग देम ऑन हायर, लेट्स से ओला जो गाड़ियां होती है वो रेट चार्ज करते हैं 30% के ऊपर। सो नॉर्मल जहां 15% एंड 30% था, अगर आप गाड़ियां इन डेट में परचेज करते हैं तो ये एनहांस कर दिया गया 30 एंड 45 कर दिया गया। डेट्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस रखिएगा बाबू। चेक करते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। एक्वायर्ड भी करना है, पुट टू यूज भी करना है। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा एक्वायर भी होना चाहिए और पुट टू यूज भी होना चाहिए। किस तारीख के बीच में? 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में। ये भी हम लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं। सर, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के जो भी व्हीकल आपने परचेस किए होंगे, मोटर व्हीकल परचेस किए होंगे, इनका डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड, दे आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये बात को याद रखना मेरे बाबू, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा जी सर, क्या बढ़ाया है? नोटिफिकेशन 16/2019 ने कहा कि सर, जो गाड़ियां मोटर कार, पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े, पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े, क्योंकि जनरली ये पूछता है। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस देम ऑन हायर लाइक ओला उबर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 23 अगस्त टू 31/3/2020 एंड पुट टू यूज बिफोर दिस डेट, देन इंस्टेड ऑफ 15% द रेट विल बी 30% फॉर मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड फॉर रनिंग देम ऑन हायर एंड पुट टू यूज ऑफ टर 1/4/1990 एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन द पॉइंट नंबर टू अबव द रेट वुड बी 15%। मतलब अगर मान लीजिए मैंने 22/8 को गाड़ी परचेज की थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? 15%। यही मैंने अगर 23/8/2019 या उसके बाद गाड़ी परचेज की होगी तो मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? 30%। यही रनिंग नेम ऑन हायर रहा तो फॉर मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज used in the business on running them on hire, Ola, Uber or other good transport agencies acquired during this period and put to use before 2020, then the rate would be 45%। yani इस टाइम पे बाइफरकेशन की बहुत जरूरत है। इंस्टीट्यूट में मैं आपको कह रहा हूं सर, इस पे आपको जरूर टेस्ट करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन अमेंडमेंट प्रॉब्लम नहीं आया। तो मेरे हिसाब से ये काम की चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, आप मार्क करके रख सकते हैं। यहां पीजीबीपी के अमेंडमेंट भी खत्म होते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको तो पता है सर, कैपिटल गेन ऑलमोस्ट हर साल बदल जाता है क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बदल जाता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के सेल करने के ऊपर मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अगर आप सेल करते हैं तो फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत होती है जो हर साल सीबीडीटी नोटिफाई करता है फॉर द पर्पज ऑफ May 20, November 20। नाउ November 20 एंड December 20 द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 289। ये चार्ट अपडेट कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आया था 63/2019। राइट, कई बच्चों ने कहा सर उनको ये कुछ अलग मिल गया था, पता नहीं उन्होंने कहां से देखा था। नाउ दिस इज
मैं हमेशा से बोलता आया कि बेटा 289 है, नोटिफिकेशन चेक कर लो. सो सर 289 है, नोटिफिकेशन नंबर 289 फॉर 9920, चेक कर लीजिए सर. सर ये जो इसके ऊपर की यहाँ पे थ्योरी लिखी है ये पढ़ने की जरूरत है? नहीं, आपका पूरे आपने इनफैक्ट अगर रेगुलर देखा होगा, फास्टैग देखा होगा, मैराथन भी देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, 289 है. सो इसमें कुछ भी नया नहीं है, वी ऑल न्यू इट. यस दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग रेलेवेंट. 96 2019. ओ हो साहब, राजनीति एक ऐसी चीज है जो इनकम टैक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और मैं आपको हर चीज को बहुत अच्छे से लिंक करके बताता हूं. मैं इस बारे में भी बात करता हूं. चलिए आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं. बात है दिल्ली, हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली की बात है सर. क्या बात है दिल वालों की दिल्ली की? हुआ ये कि 2019 के अंदर में दिल्ली में इलेक्शन होने थे. दो मेजर पार्टीज जो आमने सामने थी वो थी एक आप और दूसरा बीजेपी. ये दो आमने सामने खड़ी थी. बहुत बड़ा मुद्दा, सिंस नेशनल कैपिटल होने के कारण बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के दिल्ली में आते हैं. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से और गुरुग्राम से बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, साथ साथ में अदर हिमाचल एंड अदर स्टेट से भी दिल्ली के अंदर में लोग आते हैं, और लाख लाख लोग आकर बस जाते हैं. जब बस जाते हैं, अपना दिल लगा लेते हैं, तो वो अपना घर, झुग्गी झोपड़ी यहां पे बना लेते हैं. अब ऐसी कई कॉलोनीज दिल्ली में डेवलप हो जाती है. जब दिल्ली के अंदर में ऐसी कई कॉलोनीज डेवलप हो जाती है, लेकिन ऐसी कॉलोनीज को अप्रूवल नहीं होता, तो ऐसी कॉलोनीज को कहा जाता है अनऑर्थराइज्ड कॉलोनी, अनऑर्थराइज्ड कॉलोनी. और सिंस अब ये लोग यहां शिफ्ट हो चुके हैं, यहां रह रहे हैं, यहां से राशन पानी ले रहे हैं, तो इनकी वोटिंग के रिक्वायरमेंट्स भी यहां पे आ जाती हैं. इनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो यहां पे वोट करते हैं, तो ऐसे केस में ये वोटिंग के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक का रोल प्ले करते हैं. दोनों पार्टीज आई और दोनों पार्टीज ने एक वादा किया, दोनों पार्टीज ने वादा किया कि जितनी अनऑर्थराइज कॉलोनीज है, हम इन अनऑर्थराइज कॉलोनीज को क्या कर देंगे, ऑर्थराइज कर देंगे, लीगलाइज कर देंगे. चलिए कुछ और बातों पर फोकस करते हैं. जब भी कोई व्यक्ति आता है किसी झोपड़ी के अंदर में, किसी स्लम के अंदर में, या अनऑर्थराइज कॉलोनीज के अंदर में, मैक्सिमम ऑफ दी अनऑर्थराइज कॉलोनीज जनरली झुग्गी झोपड़ीज होती है, राइट, या छोटे एरियाज जो अभी तक के 100% डेवलप नहीं हुए हैं. अब ये किस तरह से बाय करते हैं, पहले इस बात पे फोकस कीजिए. ये काम की चीज है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला, आप किसी को कंसिडरेशन लिख के दे देते हो, पेपर पे लिख के दे देते हो, और आप उनको पैसे दीजिए, वो पेपर पे लिख के दे देंगे, काम हो गया. रजिस्ट्री के थ्रू होता है, गिफ्ट के थ्रू होता है, मतलब कोई ऑलरेडी वहां पे रह रहा था, किसी ने किसी को गिफ्ट कर दी, इनहेरिटेंस के थ्रू मिला हुआ हो सकता है, या किसी भी पेपर पे जहां पे वो ओनरशिप का डिनोट कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि लीगलाइज नहीं है तो इसकी रजिस्ट्री होना तो खैर मुमकिन ही नहीं है. तो कोई किसी को अगर दे भी रहा होता है तो बस एक सादे पेपर पे लिखा पड़ी हो जाती है, अग्रीमेंट हो जाता है, और इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है. अब हुआ ये, आप और बीजेपी दोनों भी जो रूलिंग पार्टी थी, दोनों ने अग्री किया कि हम इन ऑर्थराइज कॉलोनी को ऑर्थराइज कर दिया कर देंगे. मजेदार किस्से भी बहुत थे जो अगर आपको सुनने मिलेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा. हुआ ये, चलिए बता देता हूं, इंटरेस्ट आएगा आपको लेक्चर के अंदर में. वो ये था कि सर सबसे पहले ये जो आई थी बात, ये आई थी सेंटर से कि हम इसको क्या करेंगे, ऑर्थराइज कर देंगे, बराबर है. पर ये सेंटर ऑर्थराइज करने से पहले स्टेट का अप्रूवल लेना जरूरी था, राइट. उनको लग रहा था अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे कि नहीं, मैं इसे ऑर्थराइज करने ही नहीं दूंगा. अरविंद केजरीवाल जी ने एकदम उल्टा गेम किया, उन्होंने कहा कि बिंदास आप ऑर्थराइज करना चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूं मेरे लोगों का क्या हो जाए, ऑर्थराइज हो जाए, आप आइए, आप सिर्फ मुझे अप्रूवल दीजिए, बनाऊंगा मैं. मतलब यह बताया गया कि आप अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बनाना चाहते हो बिल्कुल बनाओ, आप बनाओ, मैं अप्रूवल दूंगा इस बात का. तब हुआ क्या, जो भी कुछ हुआ, फाइनली जीता आप, राइट, अरविंद केजरीवाल जी जीते, और इस केस में कई अनऑर्थराइज कॉलोनीज को ऑर्थराइज कर दिया गया. अब यहां प्रॉब्लम अराइज हुई इनकम टैक्स की. इनकम टैक्स की प्रॉब्लम क्या हुई, इनकम टैक्स में गिफ्ट का एक प्रोविजन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो डील करता है, ये सेक्शन 56210. 56210 कहता है अगर कोई भी पर्सन 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 कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को क्या प्रोवाइड करता है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड ओवरऑल कंसिडरेशन एक्सीड ₹50,000, तो इसके हाथ में ये गिफ्ट बोल करके टैक्सेबल होगा. इसके हाथ में ये गिफ्ट बोल करके टैक्सेबल होगा. अब सोचने वाली बात ये है भाई साहब कि जो लोग पक्के घर नहीं ले रहे, रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि इसका टैक्स पे कर सके. लेकिन मिल तो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विद इन द डेफिनेशन ऑफ 56210. अब लोगों के हाथ में टैक्स आना शुरू हुआ,
या हो जाएगा, क्योंकि पिछले कई अनऑर्थराइज कॉलोनीज थे जिनके हाथ में ऑलरेडी ये टैक्स आया था। लोगों ने इस बात पे भी सवाल उठाए कि सर हमारे पिछले टाइम पे भी टैक्स आए थे या यू नो एजिटेशन अराइज होगा इस बात को लेकर के, क्योंकि इसके पहले भी एजिटेशन अराइज हुए हैं कि सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है टैक्स देने के, बताइए क्या करें। ऐसे केसेस में इस बार एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, नोटिफिकेशन निकाला गया कि अनऑर्थराइज कॉलोनीज को अगर ऑर्थोराइज कर दिया जाता है और ऐसे केस में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो ये इस पे क्या नहीं करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, इस पे गिफ्ट नहीं माना जाएगा, इसे एग्जम्प्ट कर दिया गया गिफ्ट से। ऐसा कोई पावर क्या गवर्नमेंट के पास है कि किसी गिफ्ट को एग्जम्प्ट कर दे? हाँ, जब आप 56-10 पढ़ेंगे तो वहां पे एक ऐसी लिस्ट दी हुई है जहां पे प्रोवाइडेड है कि इन इन गिफ्ट्स को यू नो टैक्सेबल नहीं किया जा सकता, जिसके कुछ एग्जाम्पल है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, और उसी लिस्ट का अगर आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा था एंड एनी अदर गिफ्ट सो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई कर दिया। ये है नोटिफिकेशन जिसके तहत वो कहते हैं कि सर अनऑर्थराइज कॉलोनीज को ऑर्थराइज किया गया, ऐसे केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन अगर मिल रहा है तो इसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा, टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, जी हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। इसको उल्टा पढ़ना चालू कीजिए, सबसे पहले यहां से पढ़ना चालू कीजिए, अनऑर्थराइज कॉलोनी मतलब क्या? अनऑर्थराइज कॉलोनी मतलब ऐसी कॉलोनी जिसको अभी तक के क्या नहीं किया गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप नहीं किया। हालांकि मैं अगर आपसे एक बात करूं तो ये स्पेसिफिकली दिल्ली से रिलेटेड पॉइंट है, ये स्पेसिफिकली दिल्ली से रिलेटेड पॉइंट है। अब दो चीजें इंस्टीट्यूट आपको कैसे घुमाएगा, एक आपको लिख दिया जाएगा मिस्टर रवि रेसिडेंट ऑफ दिल्ली रिसाइडिंग इन दिल्ली और आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए, दूसरा आपको क्लियर कट बताएगा ये अनऑर्थराइज कॉलोनी में रहता था और अभी ऑर्थराइज हो गया। तो ये दो तरीके हैं इसको घुमाने के, इंस्टीट्यूट इस तरह से घुमा सकता है, आपने ध्यान रखना है, बुलाती है मगर जानेगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अनऑर्थराइज कॉलोनी मतलब क्या होता है? अ कॉलोनी ऑल डेवलपमेंट कंप्राइजिंग ऑफ अ कॉन्टिजियस एरिया, कॉन्टिजियस मतलब जो बहुत सक्रिय गली जिसे आप बोल सकते हैं, हॉच पॉच एरिया, कॉन्टिजियस एरिया वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड और अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान बिल्डिंग plan or has been identified for registering such colonies in pursuance to the notification dated March 2008 of Delhi Development Authority. Resident की अगर हम बात करें, a person, कौन-कौन resident है, कैसे-कैसे resident मिलता है, a person having physical possession, जो वहां रह रहा है, having physical possession of the property, किस basis पे हुआ है, एक, या तो वहां पे registered sale deed हुई है, लेकिन और colony unauthorized है, दूसरा, और latest set of power of attorney, लोगों ने power of attorney के through transfer लिया है, agreement to sale के through लिया है, will के through मिला है, possession letter के through, या other document evidencing the consideration of payment. ये जो word है ना other document, कई बार ऐसा होता है कि लोग कागज पे लिख करके दे देते थे आज से ये आपका हुआ, any other document evidencing payment, right? In respect of property in unauthorized colony including their legal heirs but do not include tenants, जो वहां पे सिर्फ किराए पे रह रहे हैं उनकी बात नहीं चल रही है, लाइसेंसी की बात नहीं चल रही है, परमिसिव यूजर्स की बात नहीं चल रही है, जो वहां पे आकर के यू नो बाहर सो जाते हैं, परमिसिव यूज करते हैं, सुबह निकल जाते हैं या तो कुछ टाइम के लिए आते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। सो अनऑर्थराइज कॉलोनी रेसिडेंट, अब यहां से पढ़ना चालू कीजिए, 56-10 ब्रिंग्स अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एनी सम रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड रुपीज 50,000 और वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी being land, building or both received without consideration if stamp duty value exceed 50,000. ये क्या लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ में लिखा है law, in that particular case the difference between the stamp duty value and sale consideration if exceed 50,000 the whole difference will be taxable, अगर ये inadequate consideration में होगा तो। साथ में ये लिखे हैं उसके एक्सेप्शन, दूसरा पैराग्राफ लिखता है कि जनरली गिफ्ट के क्या एक्सेप्शन होते हैं, द प्रोविजो टू सेक्शन 56-10 हाउएवर लिस्ट आउट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सच सम ऑफ मनी ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट, द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड क्लॉज to the proviso to provide that the sum of money or value of property would not be charged to tax in the hands of recipient if it is received from such class or classes of person subject to condition as may be prescribed, right? Last clause लिखा था कि भैया जो government prescribe करेगा उन पे ये clause applicable नहीं है। अब government ने क्या prescribe किया? So now government ने कुछ prescribe किया, ये तीसरी बात कही, government ने क्या prescribe किया? Accordingly, इस पावर के तहत, अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड इंसर्टेड रूल नंबर 11 यूएसी टू प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ 56
टू टेन शेल नॉट, ये नॉट बड़ा हॉट है, शेल नॉट अप्लाई टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, इमूवेबल प्रॉपर्टी बींग लैंड बिल्डिंग और बोथ रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट ऑफ एन अनऑथराइज कॉलोनी इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली दिल्ली सर, नागपुर में अनऑथराइज किया गया क्या उसके लिए भी एप्लीकेबल है? ना मुन्ना ना, दिल्ली की बात चल रही, नोटिफिकेशन सिर्फ दिल्ली का है। राइट, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रेगुलराइज द ट्रांजैक्शन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पावर ऑफ अटर्नी अग्रीमेंट टू सेल विल पोजेशन लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। राइट सर, तो क्या कहा गया है इसको अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहना है तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं, इफ अनऑर्थराइज्ड कॉलोनीज आर ऑर्थराइज्ड इन दिल्ली इट वॉन्ट बी taxable as gift under section 56 to 10 income from other sources। लीजिए साहब गेम ओवर। तो ये थी इसके पीछे की हिस्ट्री, ये था प्रोविजन। कोई बहुत जो अपनी लिस्ट है कि कौन कौन से गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव दिस 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 दिस, बस उनमें एक और चीज ऐड हो जाएगी ये। डन प्रभु। चलिए सर। हाँ जी सर, ये एक ऐसा पॉइंट जो हम लोग ऑलरेडी अमेंडमेंट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसके पीछे की कुछ अच्छी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री समझते हैं। और ये एक ऐसा नोटिफिकेशन था, यू नो इफ मैं मुझे याद हो तो नोटिफिकेशन जो 2020 में आया था, इट वॉज नोटिफिकेशन नंबर 8 2020। जो किस बारे में बात कर रहा था ये भी मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा पीजीबीपी का सेक्शन था 40A3 56 to 10, और ऐसे ही कई सेक्शन थे जैसे 35AD एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कहते थे कि भैया जो पेमेंट होना चाहिए ये स्पेसिफिक मोड में होना चाहिए। स्पेसिफिक मोड क्या था? अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, बराबर है। तो सर पेमेंट कैसे होना चाहिए था? अकाउंट पे चेक से होना चाहिए था, राइट। अगर हम एक ही सेक्शन पे बात करें, बाकी सेक्शन पे मोटाटिस मोटेंडिस एप्लीकेबल हो जाएगा। 40A3 की बात करें तो 40A3 कहता था एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल एक्सीडिंग ₹10,000 और 35,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड देन द होल ऑफ सच सम विल बी डिसअलाउड। नाउ अमेंडमेंट क्या हुआ, ये जो वर्ड था अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो 2019 में ऐड किया गया था, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी कि ये अदर मोड में क्या क्या आएगा, इस अदर मोड में क्या क्या आएगा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। इसी के तहत नोटिफिकेशन निकाला गया कि वो अदर मोड कौन से अलाउड है जिससे आप अगर पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, बराबर है। अब क्या किया गया, सबसे पहले तो यहां पर एक लिस्ट लिखी गई कि कौन कौन से सेक्शन में यह अदर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऐड किया था। ये सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं, जहां जहां पे भी अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस लिखा था वहां पे हर जगह ऐड कर दिया था अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये नोटिफिकेशन से इतना बताता है ये जो वर्ड लिखा है अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, इनमें से कौन कौन से मोड परमिटेड मोड है। तो सर 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस में लिखा हुआ था कि भैया अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से परचेस होना चाहिए, पेमेंट जो होने चाहिए ये स्पेसिफिक मोड से होने चाहिए। 43(1) एक्चुअल कॉस्ट की बात करता है, ये कहता था कि जो पेमेंट होने चाहिए ये एक्चुअल कॉस्ट से होना चाहिए, सॉरी स्पेसिफिक मोड से होना चाहिए, नहीं तो एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। 44AD जो आप 6% लेने वाले थे, याद है 6% होता था जब पेमेंट अप्रूव्ड मोड में हुआ होगा, उसमें भी ये बात लिखी थी। 43CA के अंदर में, राइट, स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड था पॉइंट, वहां पे भी क्लियर कट लिखा था। 50C यू नो जब हम कैपिटल गेन के अंदर में कंसिडरेशन लेते हैं फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, वहां पे भी लिखा था कि भैया अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस से होना चाहिए। 56 to 10 गिफ्ट का प्रोविजन, या 80JJAA एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉइंट, सभी जगह पे लिखा हुआ था इन सारे सेक्शंस के अंदर में कि जो पेमेंट होना चाहिए ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। अब एक्सप्लेन किया गया नोटिफिकेशन से कि ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या परमिटेड है। उनने कहा कि साहब नोटिफिकेशन सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है एक नया रूल 6 ABBA जिसके तहत इसके तहत आप
ये कुछ रिकवर कर सकते हैं। फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू विच पेमेंट कैन बी मेड और मनी कैन बी रिसीव्ड फॉर द पर्पस ऑफ अबव सेक्शन। पहला, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिकल बात थी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये बैंकिंग में रिकॉर्ड होता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इन सारे सेक्शंस के पीछे था कि कैश में डील नहीं होनी चाहिए। इनमें आप कीजिए, आपके अकाउंटिंग एंट्री में रिकॉर्ड आएगा। आईएमपीएस के थ्रू कीजिए, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू कीजिए, बिल्कुल चलेगा सर। यूपीआई पेमेंट करो, आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, बिल्कुल चलेगा। भीम से पे करो, भारत इंटरफेस फॉर मनी आधार पे, भीम से पे करो, चलेगा। तो ये वो सारे जगह है, ये वो सारे मोड ऑफ पेमेंट है जो अदर मोड ऑफ पेमेंट के अंदर में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। साथ ही साथ में कुछ और बात लिखी है, कॉन्सिक्वेंट टू द इंसर्शन ऑफ 6ABBA रूल 6DD विच स्पेसिफाई द केसेस एंड सर्कमस्टेंसेस वेयर डिसअलाउंस वुड नॉट अट्रैक्ट हैज बीन अमेंडेड। ये क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। रूल सेक्शन 40A(3) के साथ कुछ एक्सेप्शन थे जो रूल 6DD में लिखे हैं। हालांकि इनमें से जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाला लिखा था वो वहां पे भी लिखा था। अब क्या किया गया, जैसे ही नया रूल लाया 6ABBA, इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, रूल 6DD को अपडेट कर दिया। सो कॉन्सिक्वेंट टू द इंसर्शन ऑफ रूल 6ABBA रूल 6DD विच स्पेसिफाई द केसेस सर्कमस्टेंसेस वेयर डिसअलाउंस अंडर 40A(3) वुड नॉट अट्रैक्ट हैज बीन अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 29/1/2020 टू ओमिट क्लॉज जे देयर ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एक्सक्लूजन ऑफ पेमेंट ऑन द डे ऑन विच द बैंक वेयर क्लोज ईदर ऑन हॉलीडे और स्ट्राइक फ्रॉम द प्रीवियस 40A(3)। काफी ज्यादा माइनर लेकिन रेलेवेंट अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है जरा समझिएगा, 40A(3) के अंदर में हम लोग एक पॉइंट देखते थे जहां लिखा था अगर आपने पेमेंट उस दिन किया जिस दिन बैंक क्लोज है तो 40A(3) अट्रैक्ट नहीं करेगा। और मैंने अपने हर लेक्चर, चाहे वो इंटर का हो चाहे वो फाइनल का हो, मैंने हर लेक्चर के अंदर में कहा कि आज एओ, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में है तो हमको पता है, एओ आज ये एक्सेप्ट नहीं करता। एओ बोलता है कि यार वहां पे मान लो बैंक बंद भी है तो तुम ऑनलाइन पे कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया, कैश तुम्हें परमिट करूंगा ही नहीं। और प्रैक्टिकल ग्राउंड ये था, एओ नहीं परमिट करता था, एओ अलाउ ही नहीं करता था। हम लोग प्रैक्टिस में, हमारे को मालूम है, हम उसके सामने जाकर के बोलते थे, एओ के सामने, कि सर देखिए उस दिन बैंक बंद था, ये था वो था। एओ सीधा बोलता था तुम कौन से जमाने के अंदर में और किसको बेवकूफ बना रहे हो, आज इतने मोड ऑफ पेमेंट है और तुम बेवकूफ बनाए जा रहे हो। वो अलाउ नहीं करता था सर, और ठीक उन्होंने भी यही बात कर दी। अब जो एक जे क्लॉज था 40A(3) के अंदर में, जिसमें कहा जाता था कि बॉस यू नो द बैंक इज क्लोज वाला पॉइंट राइट हटा दिया। अब इंस्टीट्यूट मुझे कंफर्म पता है इस पॉइंट के ऊपर आपको घुमाएगा। जिन्होंने ये अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा होगा वो क्या करेंगे, उनको एक पॉइंट दिया जाएगा, पेमेंट मेड ऑन दिस डे द बैंक वॉज क्लोज्ड एंड कैश पेमेंट हैज बीन मेड एक्सीडिंग ₹10,000 और 35,000। अब बच्चे ने अगर ये अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा होगा, आपके दोस्तों ने अगर आपने उन्हें फॉरवर्ड नहीं किया होगा, तो वो क्या करेंगे, वो इसे अलाउ कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे भैया बैंक क्लोज थी तो भी ये परमिसेबल है रूल 6DD के अंदर में। लेकिन नहीं, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं और अब ये अलाउ नहीं है राइट। तो पहला ये मोड परमिट किया है, दूसरा बस बहुत बारीक सी लाइन में लिख दिया कि अब ये बहाना नहीं चलेगा दैट बैंक इज क्लोज, बैंक क्लोज भी है, अबव मोड के अंदर में पेमेंट करो। और अब अगर आपने ये बहाना बनाया हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, एओ क्या कर देगा, असेसमेंट करते हो डिस अलाउ कर देगा, पीजीबीपी में एडबैक होगा। सो अकॉर्डिंगली विथ इफेक्ट फ्रॉम 29/1/2020 पेमेंट इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट, प्रिस्क्राइब लिमिट made otherwise than by prescribed mode on a day on which bank are closed due to holiday or strike would attract disallowance under 40A(3). very 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 important point। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। आइए सर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 किस बारे में बात करता है, एडवांस टैक्स टीडीएस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टीसीएस। इसके अंदर में एक सेक्शन था सेक्शन 194N, किस बारे में बात कर रहा था सर, कैश विड्रॉल के बारे में बात कर रहा था सर। नोटिफिकेशन ये हम लोगों ने पहले अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर में भी कवर किया है। दो, कैश विड्रॉल वाला ये जो सेक्शन था, कैश विड्रॉल वाला सेक्शन था, ये सितंबर के थ्रू आया था कि अगर आप 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट विड्रॉ करते हैं बैंक से तो आपका टीडीएस कट होगा। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे भी बात करी थी कि ये जो 1 करोड़ की लिमिट आपको काउंट करनी है, ये जो 1 करोड़ की लिमिट आपको काउंट करनी है, ये अप्रैल से काउंट करनी है, बराबर। टीडीएस कटिंग
फर्स्ट सितंबर के बाद ही होगा, उसके पहले वाले पेमेंट्स पे नहीं होगा। लेकिन जब आप ये 1 करोड़ का लिमिट काउंट करते रहेंगे तब आपका 1 करोड़ का लिमिट पूरा का पूरा काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने मई के अंदर में 40 लाख रुपीज निकाले थे, अगस्त के अंदर में लेट्स से आप लोगों ने 40 लाख रुपीज निकाले थे, दिसंबर के अंदर में लेट्स से आप लोगों ने कैश विड्रॉ किया था 70 लाख रुपीज। अब ऐसे केस में जरा समझिए क्या टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। लॉजिकली अगर हम बात करें सितंबर के बाद तो सिर्फ 70 लाख विड्रॉ हुए हैं, क्या टीडीएस कट होना चाहिए? सर जब हम 1 करोड़ की लिमिट काउंट करते रहेंगे क्या इस पर टीडीएस कट होना चाहिए कि नहीं? तो हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जितना कैश विड्रॉ हुआ है इन सभी को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। लेकिन क्या इस पर टीडीएस कट होगा? आंसर इज नो, इस पर कट होगा नहीं, पर 70 लाख के ऊपर ओवरऑल टीडीएस कट कर दिया जाएगा। इसके पहले वाली डेट पर टीडीएस कटेंगे प्रोविजन ही नहीं था, लेकिन इसके बाद जो भी पेमेंट होगा ओवरऑल पेमेंट अगर 1 करोड़ के ऊपर जा रहा होगा तो टीडीएस कटिंग का प्रोविजन है। ये हमने तब भी कवर किया था, वही चीज यहां पे वापस लाई गई है। चेक कीजिएगा साहब, फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड सेक्शन 194N विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 टू रिक्वायर एवरी पर्सन हु इज अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी डूइंग द बैंकिंग बिजनेस और अ पोस्ट ऑफिस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, जो दे रहा है इन कैश एनी सम एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 or more अकाउंट मेंटेन बाय सच पर्सन टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम। अब सवाल उठा कि ये 1 करोड़ काउंट कहां से किया जाएगा। देखिए टीडीएस का नोटिफिकेशन 1 सितंबर से आया, लेकिन ये लॉ आपका 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, तो जब 1 करोड़ की लिमिट काउंट करनी होगी वो 1 अप्रैल से काउंट करनी होगी। क्लैरिफिकेशन आया अगस्त में, क्लैरिफिकेशन एज टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194N एंड द मैनर ऑफ कंप्यूटिंग दिस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज वेयर कैश विड्रॉल हैज टेकन प्लेस प्रायर टू 1/9/2019। तो सर देखिएगा, The CBDT at white press release dated clarified that 194N is to come with effect from 1 September 2019. Hence, any cash withdrawal prior to 1 September will not be subject to TDS under 194N. However, since the threshold limit of 1 crore is with respect to previous year 1920, the calculation of the amount of cash withdrawal for triggering the deduction shall be counted from 1 April 2019. Hence, if a person already withdrew 1 crore or more cash up to 31st August and from 1 or more account maintained with the banking company or cooperative bank or post office, TDS at the rate of 2% shall apply on all subsequent cash withdrawals. तो 1 करोड़ के लिमिट के लिए 40-40 भी काउंट होंगे, और क्या 70 लाख पे टीडीएस डिडक्ट होगा? हाँ सर, पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। चलिए सर, No tax is required to be deducted at source. हाँ जी, ये क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक और नोटिफिकेशन आया था, कैश विड्रॉल करना बहुत सारी एजेंसीज को मैंडेटरी है। जैसे कि अब जो ATMs में कैश रिफिल करते हैं, ये एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है, राइट? ये क्या करती है, बैंक से कैश विड्रॉ करती है, इनका अग्रीमेंट होता है RBI एंड बैंक के साथ, ये कैश विड्रॉ करती है और कैश विड्रॉ करके जाके ATM के अंदर में रिफिल कर देती है। अब अगर इनके ऊपर ये प्रोविजन लग जाए TDS कटने का, तो बोलेंगे मेरा क्या काम है, मेरा थोड़े ना बैंक अकाउंट है, मैं तो आप ही का काम कर रहा हूं। ऐसे केस में तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, इसी के लिए क्या किया गया, 194N में कुछ एक्सेप्शन लाए गए, और कहा गया कि अगर ये कैश विड्रॉ करते हैं तो फिर ये पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर 194N ऑन कैश विड्रॉल बाय ए पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट साहब। द प्रोविजो एक्सेप्शन, right exception, so the proviso to section 194N provides that no tax is however required to be deducted at source on payment made to such other person or person as may be notified in consultation with RBI by the central government. According to the central government has wiped this notification after consultation with the RBI, said that kaun kaun si agencies hai saab, dekhiyega saab, pehla
कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी सीआरएस बोला जाता है, जो बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं और आपके एटीएम्स को क्या करते हैं, रिफिल करते हैं। सो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइज एजेंट ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स मेंटेनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ कैश इन ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ऑपरेटेड बाय सच कंपनीज एंड हैव फर्निश अ सर्टिफिकेट एवरी मंथ। ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो ऐड की गई है, इन्हें एक सर्टिफिकेट देना होगा एंड हैव फर्निश अ सर्टिफिकेट एवरी मंथ टू बैंक सर्टिफाइंग दैट बैंक अकाउंट ऑफ सीआरएस एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स हैव बीन एग्जामिन्ड एंड द अमाउंट बीइंग विड्रॉन फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट हैज बीन रिकंसाइल्ड विद द अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिटेड। तो ये चीज क्या की गई है, रखी गई है। दूसरा, कमीशन एजेंट ट्रेडर्स ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ परमिटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। सर, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो मेनली आज भी कैश से डोमिनेटेड है, इसके लिए भी क्या किया गया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कम्युनिटी थी इनके अप्रूवल्स रखे गए, चेक कीजिएगा। सो कमीशन एजेंट और ट्रेडर हु आर ऑपरेटिंग अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी राइट और रजिस्टर्ड अंडर एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कंसर्न स्टेट हु हैज इंटीमेटेड टू बैंक कंपनी कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस हिज अकाउंट नंबर थ्रू विच ही विश टू विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज। तो इनके भी मल्टीपल अकाउंट होते हैं, इन्हें क्या करना होगा, नोटिफाई करना होगा कोई भी एक अकाउंट जिससे कैश विड्रॉ हम लोग करने वाले हैं उसको छोड़ करके बाकी अकाउंट के ऊपर क्या होगा, टीडीएस होगा, जो एक आप क्या कर रहे हैं अप्रूव कर रहे हैं उसके ऊपर हम नहीं करेंगे, ठीक है सर। थर्ड, ऑथराइज्ड डीलर एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स एंड सब एजेंट्स एंड फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस बाय आरबीआई। तो सर, जो ऑथराइज्ड डीलर है एंड फ्रेंचाइजी एजेंट है, साथ ही साथ में जो फुल फ्लेज मनी चेंजर है, मनी चेंजर्स लोग क्या करते हैं सर, जो भी बाहर से आते हैं इनकी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, इनका कैश का ही डीलिंग है सर, इन्हें अलाउ करना ही पड़ेगा। तो इन्हें भी अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके लिए एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट अडॉप्ट कर दी गई है। कंडीशन क्या है, सच पर्सन शुड मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। अब ये जो एक्सचेंज मनी चेंजर्स भी होंगे इन्हें एक प्रॉपरली सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिससे ये काम करेंगे, ताकि ये अपने अदर चीजों के साथ इसे मिक्स ना करें। आपका अदर वाला बाजू रख दो, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो, उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करो, हम टीडीएस नहीं काटेंगे। यही दूसरे अकाउंट से आपने किया, टीडीएस कट हो जाएगा। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी इन लोगों की, सच पर्सन शुड मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट और नॉन रेसिडेंट विजिटिंग इंडिया और फ्रॉम रेसिडेंट इन इंडिया ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया। ये भी बात समझ लीजिए, कौन कौन मनी एक्सचेंज करवाता है, जो फॉरेन से आ रहे हैं वो करवाते हैं, जो नॉन रेसिडेंट है वो करवाते हैं, या इंडियन लोग ही बाहर गए घूमने के लिए गए और वापस आए, जितने डॉलर्स या अदर करेंसी बच गई इन्हें क्या कर देते हैं, रिटर्न करके एक्सचेंज करवाते हैं। तो इनके लिए सेपरेट अकाउंट परचेज रखा गया है। डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू द रिसिपिएंट बेनिफिशियरी इन इंडिया इन कैश अंडर द मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। ये जो सब मनी ट्रांसफर स्कीम होती है, कोई बाहर जाता है राइट और बाहर अब लेट से अपना कोई रिलेटिव है बाहर है, वो पैसे भेजता है, तो क्या करते हैं जो कमीशन एजेंट होते हैं, मनी ट्रांसफर एजेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, मनी एक्सचेंज करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, और जिनको यहाँ पे मनी ट्रांसफर करना है उन्हें कैश प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे दो केसेस में आप अपने अकाउंट अलग कर दीजिए, उनमें से विड्रॉ कीजिए, या जो आप रेमिट कर रहे हैं उसका डिटेल लिख करके रखिए, उस अकाउंट पे हम टीडीएस नहीं कटवाएंगे, इसके अलावा जो अकाउंट होंगे उन पे टीडीएस कटेगा। द एग्जम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस वुड बी अवेलेबल ओनली इफ अ सर्टिफिकेट हैज बीन फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर एंड देयर फ्रेंचाइज एजेंट सब एजेंट एंड फुल फ्लेज मनी चेंजर्स एंड देयर फ्रेंचाइज एजेंट टू द बैंक दैट विड्रॉल इज ओनली फॉर द अबव पर्पस। यानी क्या, ये जो लोग होंगे जिन्हें एग्जम्पशन दिया गया है, इन्हें एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ हम इसी पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। पर्पस क्या है, पर्पस है ये, एक कि हम लोग जो भी करेंसी परचेज करेंगे इसके अगेंस्ट में एक्सचेंज करेंगे, या तो फुल फ्लेज जो मनी रेमिटेंस आया है हम इसको पे करने के लिए क्या करने हैं, ये करना है। तो इट्स अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो बढ़ाया गया है, मुझे लगता है ये इतने काम की चीज नहीं है, ये सिर्फ बताया गया है कि हाँ इनके ऊपर टीडीएस नहीं कटने वाला है। साथ ही साथ में एक और चीज सर, एक और चीज, ये था नोटिफिकेशन नंबर 98/2019। क्या कहता है ये नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन कहता था कि सर जहां टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है या लोअर रेट पे डिडक्ट करना है, इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर के आए थे।
चलिए पढ़ते हैं क्या है। द प्रोविजो टू 194N प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन एनी पेमेंट मेड टू एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हैं अगर विड्रॉ हो रहा है 194N के तहत, इस पे कोई टीडीएस नहीं होगा। कोई बैंकिंग कंपनी विड्रॉ कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी विड्रॉ कर रही है या पोस्ट ऑफिस विड्रॉल हो रहे हैं, नहीं होगा। एनी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, कोई बैंक के करस्पॉन्डेंट होंगे वो विड्रॉ कर रहे हैं, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। व्हाइट लेबल एटीएम विड्रॉ कर रहे हैं, एप्लीकेबल नहीं है। सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंगली इस पॉइंट पे आया है, अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी हैड वाइड दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड द क्लॉज टू प्रोवाइड दैट द डिडक्टर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, टीडीएस रिटर्न शैल फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ द अमाउंट पेड और क्रेडिटेड ऑन विच इट हैज नॉट डिडक्टेड द टीडीएस विद द व्यू ऑफ एग्जम्पशन। समझिए क्या है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है सर। सर जब सेक्शन 194N आया था, 194N ने कहा था इन लोगों के ऊपर क्या नहीं करना है, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, बराबर है। अब एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट लाया है, जिन जिन लोगों ने यह टीडीएस डिडक्ट नहीं किया इन्हें क्या करना है, टीडीएस रिटर्न में लिख के देना है कि किन किन को आपने पेमेंट किया जो विदाउट टीडीएस डिडक्शन हुआ, ताकि गवर्नमेंट क्रॉस चेक कर सके। तो हुआ ये कि सर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक विड्रॉ करता है, लेट्स से फ्रॉम एसबीआई, टेंटेटिव एग्जांपल लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक विड्रॉ करता है फ्रॉम एसबीआई, अमाउंट थी 500 करोड़ रुपीस जो विड्रॉ की जाती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, क्या एसबीआई को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए? हाँ, पर इस नोटिफिकेशन के तहत पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर कोई बैंकिंग कंपनी विड्रॉ कर रही है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं था जहां से ही पता चल जाए कि एसबीआई ने कितना अमाउंट पे किया है आईसीआईसीआई को विदाउट टीडीएस। ना टीडीएस रिटर्न में कोई अपडेट था, ना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट था। टीडीएस रिटर्न अपडेट किए गए और कहा गया ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपने विदाउट टीडीएस पे किया है इसका लिख कर रखना होगा टीडीएस स्टेटमेंट के अंदर में, इसकी रिकॉर्डिंग देनी होगी कि कौन सा ऐसा वो पेमेंट था जहां पे आपने पेमेंट तो किया लेकिन टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं थी इस एग्जम्पशन की वजह से। तो बस ऐसा है कि टीडीएस रिटर्न के अंदर एक कॉलम ऐड हो गया है जहां पे पेयर को बताना होगा मैंने किसको पे किया जो एग्जम्पशन में कवर था लेकिन मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, कितनी अमाउंट पे करी और कितना टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इस बारे में डिटेल देनी है। स्टैचुटरी यू नो रूल्स रिलेटेड अपडेट है, प्रोसीजरल अपडेट है। पर्सन टू हुम क्रेडिट टू बी गिवन फॉर टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स एंड पेमेंट देयर ऑफ अंडर 194N। अच्छा जी सर, ध्यान से सुनिएगा सर। साथ ही साथ में एक और पॉइंट था, ये पॉइंट एक्चुअली बाय डिफॉल्ट में अगर नहीं लाते तो भी बहुत इजी होता, पर उन्होंने लिख दिया मैंने अगर टीडीएस डिडक्ट किया है तो जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए टैक्स डिडक्शन का, यस। लेकिन ये स्पेसिफिक मेंशन इस सेक्शन के अंदर में नहीं था जब सेक्शन लाया गया था, वही स्पेसिफिकली बोल दिया गया है। रूल 37B प्रोवाइड्स दैट मैनर ऑफ गिविंग क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एंड रेमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज इट स्पेसिफाई द पर्सन टू हुम क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज टू बी गिवन। अकॉर्डिंगली सीबीडीटी नोटिफाई दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194N credit of tax deducted at source shall be given to person from whom tax is deducted and paid to central government for the relevant assessment years। तो ये बताया गया जिसका TDS deduct हुआ उसको credit मिलेगा, नहीं भी बोलते तो वो वही rule होता, बस यहाँ पे उन्होंने specifically बोल दिया है। ओहो साहब, एक और notification, वही notification है जो ऊपर वाला था, सिर्फ date बता रहा है। सर मान लीजिए आपने क्या किया है 194N में टीडीएस डिडक्ट किया, तो इसे डिपॉजिट कब तक के करना है इस बात के बारे में कुछ बताना जरूरी था। सर जनरली टीडीएस डिपॉजिट करने की डेट क्या होती है, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जब टीडीएस डिडक्ट हुआ नेक्स्ट मंथ के 7th तक के आपको क्या करना है, टीडीएस को डिपॉजिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के चेस्टर में। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो ऐसे और भी सेक्शन है जहां पे वो चीज बताता है कि 7 दिन के अंदर नहीं, एक स्पेसिफिक डेट देता है। 194N में मान लीजिए अगर किसी बैंकिंग कंपनी ने कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर दिया तो अभी गवर्नमेंट तक कब तक पहुंचाना, इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी। नोटिफिकेशन लाया, क्लैरिटी दी गई 30 डेज। आइए सर, अच्छा एक और पॉइंट 194M, इस पॉइंट पे आइए पहले। 194M किस बारे में बात करता है, 194M सर ये वही अमेंडमेंट है, वही प्रोसीजरल अमेंडमेंट है टीडीएस से रिलेटेड और आपको 30 डेज के अंदर में डिपॉजिट करना, वही वाला पॉइंट है। चलिए सर आ जाइए 194M।
इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019, 1 सितंबर से लाया गया। इंडिविजुअल और एचयूएफ जो अपने रेंट पे कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना था इफ इट एक्सीड अ प्रिस्क्राइब लिमिट। अब इससे रिलेटेड प्रोसीजरल अमेंडमेंट लाए हैं, अगेन प्रोसीजरल, मेरे हिसाब से जो काम का होगा वही बताऊंगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेसिडेंट रेसिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर इन पर्सन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी 194C, और एनी कमीशन अंडर 194H, नॉट बींग 194D, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस 194J. ओनली इंडिविजुअल्स एंड HUF other than those covered in 194C, H, and J are required to deduct the TDS in respect of any sum paid to resident if the aggregate sum exceed 50 lakh. अगर 50 लाख से ऊपर जा रहा होगा इन पेमेंट्स के लिए जो 194C, H, और J में कवर नहीं है तो उस केस में TDS डिडक्ट करना था सम। कॉन्सिक्वेंटली इससे रिलेटेड टाइम लिमिट्स लाए गए। TDS अगर आपने डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट कब तक करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज डिडक्टेड। रूल 30 कहता है एनी सम डिडक्टेड अंडर 194M शैल बी क्रेडिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, शैल बी क्रेडिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। साथ साथ में एक फॉर्म लाया गया, फॉर्म नंबर 26QD, ऐसा कोई फॉर्म पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, एक नया फॉर्म ला दिया गया है 26QD। सर क्या हमें ये याद रखना है? हो सकता है एमसीक्यू के अंदर में पूछ ले कि सर 194M में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये कब तक के डिपॉजिट करना है। चार डेट आएगी आपको, पहला बताया जाएगा 30 अप्रैल, दूसरा होगा 7th of the next month, तीसरा होगा ये, चौथा होगा none of the above या all of the above। आपको सिलेक्ट करना है 194M है तो 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज डिडक्टेड। दूसरा, रेमिटेंस का मैनर कैसा होगा? मान लीजिए किसी ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया इस सेक्शन के अंदर में, तो कैसे हम लोग रेमिट करेंगे गवर्नमेंट को? क्या हमें फिजिकली देना होगा, क्या हमें इलेक्ट्रॉनिकली देना होगा? सेक्शन ने बहुत क्लियर कर दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक। Where tax has been deducted is deposited in form number 26QD. The amount of so tax deducted shall be deposited to central government by remittance it electronically within 30 days from the end of the month in which deduction is made. Certificate of tax deduction. Again एक नया form लाया है, form 16D. Generally दो form होते हैं, form 16A. राइट, 16B भी है और 16D एक नया फॉर्म लेकर के आ गए। इन्होंने कहा 194M में जो टीडीएस डिडक्ट होगा उस केस में जो सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन होगा वो 16D के अंदर में दिया जाएगा। सो चेक कीजिएगा, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द टैक्स अंडर 194M शैल फर्निश द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन इन फॉर्म 16D। ये नया फॉर्म लेकर के आया, हो सकता है एमसीक्यू के तहत पूछ ले, अमेंडमेंट है, राइट, टू द पे विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट। तो सर टीडीएस स्टेटमेंट फर्निश करने के बाद 15 दिन के अंदर में आपको ये देना होगा, ठीक है, और ये किसको देना होगा उसकी डिटेल लिखी हुई है, नॉट सो रेलेवेंट। टाइम लिमिट एंड द मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ चलान कम स्टेटमेंट। Every person responsible for deduction of tax at source under 194M shall furnish to the principal DGIT or DGIT income tax systems or the person authorized by DGIT. ये authority बताई है कि किसको submit करना है। हालांकि ये जो authority है आपको CA final में बहुत तगड़े में समझ में आएगी। जब आप हमारे साथ CA final में होंगे, दूसरा चैप्टर ही आपको बहुत ज्यादा डिटेल में है अथॉरिटी एक्सप्लेन करते हुए कि कौन किसके नीचे है। सबसे ऊपर कौन होता है? डीजीआईटी होता है, आईटी होता है, कमिश्नर होता है, सीसीआईटी होता है। बड़ा मजा आएगा सर, जब आप फाइनल में आएंगे तब मिलेंगे। तो यहां पे सिर्फ अथॉरिटी बताई हुई है। उनने कहा कि जो स्टेटमेंट है यानी टीडीएस रिटर्न फॉर सेक्शन 194M वो रहेगा 26QD। तो क्या नया है मैं आपको वो बता देता हूं। पहला, ये डेट कि कितने दिन में डिपॉजिट करना है ये नया है। दूसरा, मैनर कैसे करना है ये नया है। तीसरा, टीडीएस काटने के बाद सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में जाएगा ये नया है, 16D। ये नया है कि सर फिर 194M में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है इसका टीडीएस रिटर्न कौन सा होगा, 26QD होगा। तो अब अगर देखा जाए तो कौन कौन से रिटर्न के फॉर्म्स बन चुके हैं, एक है 26, एक है 26Q,
सॉरी 24Q, 26Q, 26QD, ये एक और आ चुका है। इज दिस डन? यस सर। तो सर ये हो चुका है आपका क्या, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड अमेंडमेंट। ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट अमेंडमेंट के ऊपर है। यस, जैसा कि हमने कहा ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट अमेंडमेंट के ऊपर है। ये अमेंडमेंट हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया, फिर एक बार आपको बता देता हूं। इसकी पहले हिस्ट्री आपको सुननी पड़ेगी, तब आपको जाकर के इस सेक्शन का मीनिंग एंड पर्पस समझ में आएगा। समझिए सर हिस्ट्री क्या है। सर सबसे पहले लोग चिल्लाते रहे कि सर पैन नंबर लीजिए, पैन नंबर लीजिए, पैन नंबर लीजिए, पैन नंबर। सर 130 करोड़ के ऊपर की जनता है भारत के अंदर में, लेकिन क्या आप जानते हैं पैन नंबर कितने लोगों के पास है? सिर्फ ओनली एंड ओनली 42-45 करोड़ पीपल हुआ है पैन। फिर जब मोदी गवर्नमेंट आया तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने आधार को प्रमोट करना शुरू किया। एक ऐसी चीज जो कांग्रेस ने लाई तो थी लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, मोदी गवर्नमेंट ने इसे इंप्लीमेंट किया और आधार के तहत सारे बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए। और कहा इट वॉज इन 2016-17 जब से आधार को उन्होंने भयानक तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, किसी भी तरीके का नया परचेस, हर चीज को आधार के साथ लिंक करना लागू कर दिया गया। इसी के साथ साथ एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया 139AA, जिसके तहत कहा गया कि सर अगर आपको रिटर्न भरना है या पैन लेना है तो आपको आधार नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी होना जरूरी है। और साथ साथ में एक्सेप्शन भी लाया कि किन किन के पास आधार नहीं भी रहे तो रिटर्न भर दिया जाएगा। बराबर है। अब यह प्रोविजन आने के बावजूद भी लोगों के पैन नंबर में इंक्रीज नहीं हुए और बहुत सारे लोग जो पैन नंबर ही नहीं था ये रिटर्न नहीं भरते थे। रिटर्न नहीं भरते थे तो कई लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते थे। इनमें से तो कई कई लोगों को आप भी जानते होंगे जिनके पास इनकम तो है लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं। अब इन्हें असेस कैसे किया जाए या इनके ऊपर इंक्वायरी कैसी रखी जाए जब तक इनके पास पैन नंबर ही नहीं है। अब ऐसे केसेस में क्या किया गया, निर्मला सीतारमन जी ने ट्रमेंडस वे निकाला, जबरदस्त वे निकाला। वे की पहले की स्टोरी भी सुनिए। वे की पहले की स्टोरी यह है कि पैन अगर आपको लेना था तो टेंटेटिवली 110 रुपीज लगते थे आपको, 110 रुपीज आपको पैन के लिए लगते थे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था, पहली बात तो लोग ये 110 रुपए भी पे करना नहीं चाह रहे थे, प्लस वो इनकम टैक्स के अंदर कवर हो जाएंगे इसलिए क्या नहीं लेना चाह रहे थे, वो पैन नंबर भी नहीं लेना चाह रहे थे। अब क्या किया गया, जबरदस्त काम किया गया। किया ये गया कि सिस्टमैटिक वे में सबसे पहले कहा गया कि भैया आधार अगर नहीं, आधार अगर होगा तो ही आप पैन ले पाएंगे और तो ही आप रिटर्न भरना पाएंगे। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हुआ, दूसरा स्टेप उनने ये किया कि अब उनने कह दिया कि सर मान लो रिटर्न के अंदर में आपके पास पैन नंबर नहीं है, आधार नंबर डाल दो चलेगा। दूसरा अमेंडमेंट ये हुआ, आधार पैन इंटरचेंज। सुनिएगा पूरी हिस्ट्री को, आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी की गई। उनने कहा कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आधार नंबर है, आधार के थ्रू क्या कर दो अपने रिटर्न भर दो। इनकम टैक्स फॉर्म्स ITRs में अपडेट किया गया, जहां पहले सिर्फ पैन नंबर का कॉलम होता था रिटर्न भरने के टाइम पे, अब पैन नंबर और आधार नंबर का कॉलम है, दोनों में से एक डालिए और क्या कीजिए आप रिटर्न भरिए। इससे भी कोई खासा फायदा नहीं हुआ, लोगों के पैन नंबर में उतना इंक्रीज नहीं हुआ। जहां देश की जनता 130 करोड़, मोस्ट ऑफ द पीपल इनकम कमा रहे हैं लेकिन पैन कार्ड नहीं है, यह कैसा पॉसिबिलिटी हो सकती है? जब गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया तो पता चला कि 130 से 35 करोड़ जो भी जनता है करंटली, इन मैक्सिमम ऑफ द पीपल इन मोर देन 100 करोड़ केसेस देर आर आधार बट दे डू नॉट हैव पैन। तो अगर आप देखें गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए लोग आधार तो ले रहे थे लेकिन गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए लोग पैन नहीं ले रहे थे। जबरदस्त वे निकाला गया, कहा गया अगर आपके पास आधार है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास आधार है हम आपको पैन देंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। So, मान लीजिए आपने अगर आधार कोड कर दिया, सिस्टम में चेंज किया गया, कहा गया ऑटोमेटिकली सिस्टम चेक करेगा आपके नाम का पैन है या नहीं है, और अगर पैन नहीं होगा तो हम आपको पैन डायरेक्टली इशू कर देंगे विदाउट एनी कॉस्ट, हम आपको पैन इशू कर देंगे। लोगों को लगा वाह फ्री में पैन इशू हो रहा है, अरे गधेड़ा उल्टी बात हो रही है, अब वो तुम्हें फ्री का लालच देके, फ्री का गाजर देके तुम्हें पैन अलॉट कर दिया जाएगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब जहां जहां पे भी जिस चालान स्टेटमेंट में जहां जहां में भी पैन लिखा था आधार और पैन इंटरचेंजेबल है, तुमने आधार डाला पैन की डिटेल नहीं डाली, सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करेगा आधार है सॉरी पैन है या नहीं है, होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं होगा तो पैन अलॉट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज अपडेट की गई, अब
पैन नंबर आपको लेना है तो विद इन 5 मिनट्स आपका पैन नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा? एक नया चीज डेवलप की गई, इस पर मैंने यूट्यूब पे सेपरेट वीडियो भी डाला है। उन्होंने क्या किया, आधार बेस्ड पैन देना चालू कर दिया। आप अपना आधार लीजिए, आधार बेस्ड ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और आपको 5 मिनट के अंदर आपका पैन अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग इनकम टैक्स के अंदर में कवर हो, पैन नंबर ले ताकि उनकी असेसमेंट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट के अंदर में कवर हो पाए। और बस ये काम किया गया। इंटरचेंजेबिलिटी, इसके तहत 5E एक नया सबसेक्शन था जो 139A के अंदर में इंसर्ट किया गया। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक बुक में ये कवर किया हुआ है। फास्ट ट्रैक जिसने भी देखा होगा, मैराथन जिसने भी देखा होगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं बस जिन जिन लोगों ने मेरा फास्ट ट्रैक नहीं देखा होगा और ये अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे होंगे, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं। चेक कीजिएगा, सर फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड द 5E टू 139A from 1st September 2019 to provide that every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN number and who has not allotted a PAN but possesses Aadhaar number may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of PAN. कोई बात नहीं, आपके पास आधार है, आधार कोट कर दो, in lieu of PAN, आधार पिन interchangeable हो गया। And such person would be allotted a PAN number in such manner as may be prescribed. तुमने आधार डाला, PAN number नहीं डाला, system automatically check करेगा इस number पे, इस नाम पे, भाई साहब क्या PAN है या नहीं है। जो अगर PAN ना हुआ, PAN दे दिया जाएगा, PAN हुआ तो कोई problem नहीं। Rule 114(4) requires submission of application for allotment of PAN by applicant in the prescribed form along with the identity and address proof. The CBDT has void this notification, inserted 1A to the rule of 114 to provide that any person who has not been allotted PAN but possesses Aadhaar number and has furnished or intimated Aadhaar shall deem to have applied for allotment of PAN and he shall not be required to apply for submit any document. Further, 1B has also been inserted to provide that any person who has not been allotted PAN but possesses Aadhaar may apply for allotment of PAN under 139A by intimating his Aadhaar number and he shall not be required to apply or submit any document. जैसे कि मैंने कहा, आधार बेस, आप अपना आधार नंबर डालिए, 5 मिनट लगता है पैन। पहले सर हमारा टाइम था, हम पैन एप्लीकेशन देते थे, 30 डेज लगते थे आपके पैन नंबर आने को, राइट? 5 मिनट लगता है सर, मैंने मेरे ऑफिस में कई लोगों के किए हैं, अब 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर, अच्छा जी सर, यह भी पॉइंट क्या था जरा सुनिएगा। आधार का जो सेक्शन था 139AA, ये कहता था 1 जुलाई 2017 के बाद जब भी आप कोई रिटर्न भरेंगे या पैन एप्लीकेशन लेंगे, इसे आपको क्या करना है, आधार प्रोवाइड करना है, बराबर है। 2018 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि सर इनकम टैक्स पर्पस को छोड़ करके बाकी किसी पर्पस के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होगा, लेकिन इनकम टैक्स के लिए तो मान्यता मिल गई, जिसके तहत सेक्शन 139AA को सुप्रीम कोर्ट के तहत, लॉ के तहत अप्रूवल मिल गया कि अब आधार आप ले पाएंगे। हुआ क्या इसके आगे, लास्ट डेट आधार इंटीमेट करने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थी 31st मार्च 2019, ये लास्ट डेट थी, इसे एक्सटेंड करके सितंबर किया गया था। चेक कीजिएगा, और मैं आपको बता दूं इस सितंबर के बाद भी क्या हुआ, इस सितंबर के बाद कोविड-19 सिचुएशन आई, बराबर है। सितंबर के बाद दिसंबर हुआ, दिसंबर के बाद मार्च 31st 2020 हुआ, मार्च 31st 2020 में भी कोविड-19 सिचुएशन आ गया और इसे शिफ्ट कर दिया गया दिसंबर 20 तक के। हालांकि देखते हैं यहां, क्योंकि ये अलग अलग नोटिफिकेशन थे, यहां किस डेट तक कवर किया गया है। एज पर 139AA, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन एज ऑन 1st जुलाई 2017 एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर एंड शैल इंटीमेट इज आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन 31/2019 डेटेड मार्च 2019 नोटिफाइड दैट एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन एज ऑन 1st जुलाई 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar shall intimate it on or before 30th September 2019. So, date thi.
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन 75/2019 फर्दर एक्सटेंडेड दिस डेट टू 31 दिसंबर 2019। फिर ये फर्दर एक्सटेंड हुई, दिस डेट हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 बाद में क्या हुआ, और भी नोटिफिकेशन आए, आपका दिसंबर 2020 किया गया, एंड द लास्ट वन, द लेटेस्ट वन वाज आपका 2021 तक के एक्सटेंड कर दिया गया कोविड-19 सिचुएशन में। नोट, सब्सिक्वेंटली दिस डेट हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। यानी अब जो डेट 139AA में है आधार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करने की, अब ये सितंबर 2019 से 31 मार्च 2021 हो चुकी है कोविड-19 सिचुएशन के अंदर में। नॉट विथस्टैंडिंग द लास्ट डेट ऑफ इंटीमेटिंग लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन 31 मार्च 2020, इट इज क्लैरिफाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 इट इज मैंडेटरी टू कोट आधार नंबर वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ईदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। तो भी उन्होंने कहा कि भैया आपको आधार तो अपना क्या होगा, प्रोवाइड करना ही होगा जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली मैनुअली आपको अनलेस जब तक के क्या किया गया हो, एग्जेम्प्ट स्पेसिफिकली किया गया हो। और प्रभु इसी के साथ धुएंधार तरीके से विथ हिस्ट्री डिटेल्ड अमेंडमेंट नवंबर पर्पस के लिए या दिसंबर 20 पर्पस के लिए हम कंप्लीट करते हैं। चाहे आप सीए इंटर, सीए आईपीसीसी, सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएम इंटर में होंगे तो आपको यह अमेंडमेंट लेक्चर काम आ जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के दो बातों की रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अगस्त में है, आपका एग्जाम नवंबर के अंदर में, मैं सभी बच्चों को बोलूंगा प्लीज गो फॉर फास्ट ट्रैक। अगर आपका डीटी पढ़ाई अच्छी से नहीं हुआ होगा और आपको बहुत अच्छी से विद इन 25 डेज कंप्लीट करना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप फटाफट फास्ट ट्रैक ले लीजिए। फास्ट ट्रैक के अंदर में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। vsmartacademy.com ये वो वेबसाइट है जो आपको बहुत मदद करेगी आपके ओवरऑल कोर्स में फास्ट ट्रैक लेने के लिए, बुक्स डिलीवरी के लिए। बता दूं इस कोविड-19 सिचुएशन में भी vsmart ने बहुत ज्यादा डिलीवरीज की है बुक्स की एंड लेक्चर्स की। हो सकता है किसी को डिलेड मिला होगा बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन, बट हम लोगों ने पूरा ट्राई किया है सबको प्रोवाइड करने का, राइट? अच्छा जी, तो सर एक चीज, दूसरी चीज, मैराथन लेक्चर्स देखिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट या अदर वीडियो अपडेट हो रहे हैं। फाइनल सीए फाइनल मे 21 नवंबर 21 के लेक्चर्स अभी भी आ चुके हैं और आप इसे बाय कर सकते हैं सेम वेबसाइट के ऊपर। मैं कुछ बातें मोटिवेशन की आपसे कह दूं, देख बेटा तकलीफें उन्हीं को मिलती है जिनकी उड़ान बहुत ज्यादा होने वाली होती है, बराबर है? और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी पेंसिल देखा होगा, मैंने द अदर डे ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ये चीज डाला, एक शार्पन पेंसिल और एक पेंसिल जो यूज हो चुकी है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और वो फर्क पता है क्या है? वो फर्क ये है कि इट लुक्स सो गुड टू कूल व्हेन यू हैव डन नथिंग, शार्प पेंसिल। एंड यही वो घिसी हुई पेंसिल ने अपने पूरा घिसा हुआ होता है और उसी के तहत एक नई पेंटिंग क्रिएट की हुई होती है। मैं आपसे कहूंगा कि बहुत मेहनत लगी है, आप लोगों ने कुछ ड्रीम्स देखे थे सीए में आने से पहले, ये सही समय इस ड्रीम को पूरा करने का। तकलीफें आई हैं, कोविड-19 सिचुएशन आया है, लेकिन ये पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं। ये बहुत हैवी टाइम है, मैं जानता हूं ये बहुत हैवी टाइम है, कई लोगों का सपने सारी चीजें 6 महीने से आगे बढ़ गई, नवंबर 20 एग्जाम को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है, ये सारी चीजें होगी, बट आपने अपना गोल नहीं छोड़ना है, आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी एज अ टीचर, मैं ये नहीं सोच करके बैठ गया कि ठीक है मेरा एक अटेम्प्ट चले गया, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाते अगर एग्जाम हो जाता तो। नुकसान सबका हुआ है, सिर्फ तुम्हारा नहीं हुआ, नुकसान सबका हुआ है, लेकिन दिस इज द टाइम जब हम लोग साथ में मिल करके आगे बढ़े और ये जो प्रॉब्लम आई है ये हम लोग साथ में मिल करके फेस करें। साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपकी मेहनत करना इस टाइम पे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके परिवार को अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो फाइनेंशियली इमोशनली बहुत ज्यादा टूटा होगा इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर में। पढ़ लो, ये पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो, क्योंकि शायद तुमको फाइनल का अटेम्प्ट क्रैक करने में ज्यादा आसानी होगी। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, बट ये लड़ने का टाइम है। सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्या मैं आप कंप्लीट कर पाऊंगा? मैं आज भी अगर फास्ट ट्रैक लेक्चर लेता हूं या मान लीजिए मैं आज भी मैराथन रिवीजन लेक्चर्स देखता हूं तो क्या मैं कंप्लीट कर पाऊंगा नवंबर से पहले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सितंबर के अंदर में आ चुके हैं। सर क्या मैं कर पाऊंगा? मैं इन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छे से मानता हूं इसलिए भी, सर महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी,
इस COVID-19 में मुझे चांस मिला, मैं महाभारत की लड़ाई देख पाऊं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं उससे एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये थी, महाभारत की लड़ाई 18 दिन में लड़ी गई थी, 18 दिन, 18 days। आपका सिलेबस महाभारत से तो बड़ा नहीं है, और ये सोच लो महाभारत लड़ने के लिए कितना टाइम है आपके पास, आप कितनी महाभारत लड़ सकते हैं, अपनी पूरी जान झोंक दो, अपना 100 नहीं 200% दे दो, ताकि अगर रिजल्ट 50% भी आए तो तुम्हें 100% रिजल्ट मिले, 200 का 50%, 100% रिजल्ट मिले। तो प्लीज अपना 100% मत दो, मैं मेरे सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा अपना 200% दो, और इस 200% का अगर 50% भी आउटपुट आया तो तुम्हें रिजल्ट 100% मिलेगा, कोई कसर मत छोड़ो। और नवंबर 20 का एग्जाम अगर तुम फेल कर गए तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास कभी भी टाइम की कमी नहीं थी, तुम्हारे पास डिसिप्लिन की कमी थी, और जिस बंदे के पास डिसिप्लिन की कमी होती है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ये बात याद रखिएगा। मैं और मेरे पापा ये बात कहते हैं, अपनी पूरी जान झोंक दो, 200% दो, दिन पढ़, रात पढ़, कभी भी पढ़, अरे सारे चीजें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, सारे लेक्चर, सारे टीचर्स अवेलेबल है, ले पढ़, अपने पूरी जान झोंक डाल, कुछ भी कर ले, पर इसको छोड़ना मत, क्योंकि एक बात तो है, नवंबर 20 के अंदर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, रिजल्ट का तो फिक्स है कितने परसेंट आएगा, तुझे कुछ भी करके शामिल होना है उस पास वाले रिजल्ट के अंदर में, क्योंकि मैं पूरा वी स्मार्ट और आपका परिवार आपका वेट कर रहा है फाइनल्स में। इसी के साथ अमेंडमेंट लेक्चर खत्म करता हूं, नीचे आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, जहां से भी आपको जुड़ना है। आपके साथ बहुत मजा आया, आपके साथ मिलूंगा फाइनल के अंदर में, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।